अस्सलाम वालेकुम, आज आपके लिए जी मैं बहुत ही क्विक से एक रेसिपी लेकर आई हूँ एवोपोरेटेड मिल्क की, जो कि मार्केट में आपको पता है कि कितना एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप घर पे ही उसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन 2.25 कप, यानी कि 1/4 कप जो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, और इससे मुझे तकरीबन जो है वो 1 कप के करीब जो है मुझे एवोपोरेटेड मिल्क जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लो टू मीडियम हीट पे रखूँगी ताकि इस पर जो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। हमने बॉईल नहीं होने देना, बॉईल नहीं करना इसको, सिर्फ बबल्स बनने तक हमने लो टू मीडियम हीट पे रखना है। ये जी रेसिपी से ज़्यादा एक मेथड है, उसको अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप एवोपोरेटेड मिल्क जो है बिल्कुल मार्केट जैसा हासिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे बबल्स बनना साइड पे शुरू हो गए, तो मैं अब क्या करूँगी, इसको बिल्कुल लो हीट पे रख दूँगी और इसको हम सिमर करेंगे अप टू 20 to 25 मिनट्स। बस ये ऐसा ऐसा रिड्यूस होता जाएगा। आपने ये है कि थोड़ा थोड़ा करके बीच में स्पैचुला को आपने चलाना है ताकि जो उसके सॉलिड्स हैं वो नीचे ना लगें हमारे इस पे पैंदी में। जी देखिए 20 मिनट्स हो गए थे और ये अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, अप टू 1 कप रह गया है। और देखें वही क्रीमी टेक्सचर जो हमें मिला है और इसकी नेचुरल स्वीटनेस होती है मिल्क की, वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम करेंगे चूल्हे को बंद और मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगी। फिर इसके बाद में इसको कर लेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि जो थिन सी जो मलाई की लेयर आ जाती है वो इसमें से उतर जाए। जी तो तकरीबन 2.25 कप दूध से हमें 1 कप के करीब एवोपोरेटेड मिल्क जो है वो हासिल हो गया है, और बाज़ार से बहुत ही कहीं सस्ता जो है ये हमें पड़ेगा। इसको इजीली आप स्टोर कर सकते हैं 4 to 5 डेज़ के लिए फ्रिज में। जी इस क्विक सी रेसिपी को जो है वो फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा फीडबैक। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकअल्लाह।